गुरु जी क्या शिव जी को भांग और धतूरे का ही भोग लगाएं या घर में बने भोजन का भोग लगा सकते हैं? अरे भाई, भांग धतूरा शंकर जी खाते छोड़ी हैं, कभी कभी शंकर जी को ये चीजें चढ़ती हैं। शंकर जी तो बढ़िया भोजन प्रसादी करते हैं, भांग धतूरा ठीक है चढ़ा दो। भांग धतूरा ये फूल और फल पत्तियों में आता है, खाने का कोई पदार्थ भांग थोड़ी खाने की होती, भांग तो पीने की होती है, थोड़ा सा पी लोगे, है ना। शंकर जी के गले में थोड़ा सा सांप ज्यादा है, गले में जहर है, तो जहर से जहर कट जाता है, इसलिए वो नशीले जहरीले पदार्थ ज्यादा यूज करते हैं शंकर जी। शंकर जी अलग ही सिस्टम से हैं, भूत प्रेत और नशीले पदार्थ, नशीले। शंकर जी गांजा नहीं पीते, पर गंजेड़ी लोग बड़ा बदनाम किए हैं शंकर जी को। शंकर जी कभी गांजा नहीं पीते, हाँ शंकर जी को भांग चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है। ये पुष्प के धतूरे का फूल होता है, वो पुष्प के रूप में चढ़ता है, कोई खाने के रूप में नहीं चढ़ता कि खाना है इनको, खाने के लिए तो भोग लगाइए। रंजन कुमार चौधरी जी, राधे राधे गुरु जी, विष्णु भगवान को चावल क्यों नहीं चढ़ाया जाता? क्योंकि विष्णु भगवान से एकादशी प्रकट हुई और एकादशी को चावल पसंद नहीं है, इसलिए चावल भगवान को नहीं चढ़ता है ना। शंकर जी को चावल चढ़ता है, पर रंगीन करके सफेद चावल नहीं चढ़ता, पर चावल में थोड़ा सा चंदन लगा के अर्थात चावल को हल्दी से रंग करके चढ़ा सकते हैं, ऐसा विधान है। रंगीन चावल, सफेद व्हाइट चावल नहीं चढ़ते, रंगीन चावल चढ़ाते हैं लोग। श्यामलाल जी, गुरु जी सभी भगवान, अच्छा आपके प्रश्न का उत्तर हुआ है। गोलू केसरी जी, राधे राधे गुरु जी, मेरा सवाल यह है कि भक्त को सबसे ज्यादा कष्ट क्यों होता है? भाई भक्त को सबसे ज्यादा कष्ट इसलिए होता है क्योंकि जो एग्जाम देने जाएगा परीक्षाएं उसी की होंगी, एग्जाम देगा नहीं तो परीक्षा किस बात की, अर्थात पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम नहीं, पढ़ेगा स्कूल जाएगा आगे बढ़ेगा तो एग्जाम देगा। अब हमें पढ़ने नहीं है तो एग्जाम किस बात का, जो पढ़े वो एग्जाम दे, जो आगे बढ़ना चाहे एग्जाम दे। आगे बढ़नी नहीं, हमें 11वीं क्लास पढ़नी नहीं है, एग्जाम देनी नहीं पड़ेगा, 10वीं पढ़नी नहीं है, एग्जाम देना, अब 10वीं पास होना है तो एग्जाम देना पड़ेगा, भगवान तक पहुंचना है तो एग्जाम तो देना पड़ेगा। ये जो दुख है, संकट है जीवन में, ये दुख संकट क्यों आते हैं जानते हैं? हमें स्ट्रांग करने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए। यदि हमारे जीवन में दुख ना आते, सच्ची बता रहा हूँ, हमारे जीवन में दुख ना आते, तकलीफ ना आती, तो आज हम आपके बीच में ऐसे ना बैठे होते। आज जीवन में जो व्यक्ति अपने आप को सफल बनाता है, जो व्यक्ति जितना सफल होगा, वह व्यक्ति जीवन में उतना ही कष्ट जरूर उठाया होगा। बिना कष्ट उठाया आज तक कोई सफल हुआ ही नहीं, जो व्यक्ति कष्ट नहीं उठाया सफल हो ही नहीं सकता। आप 1,00,000 रुपए के स्टाम्प में लिखवा लीजिए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जितना आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, उतनी सफलता, उतनी कामयाबी आपको मिलेगी। और जितना आप आराम फरमाएंगे साहब, उतनी जूजू हो जाएंगे आप। YouTube चैनल पर जो ये प्रश्नोत्तरी सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, Facebook WhatsApp में पहुंचाएं, ताकि और लोग इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला से जुड़ सकें। लाल बटन होगी नीचे, क्लिक करें, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नित्य पहला नोटिफिकेशन आपको पहुंचे प्रश्नोत्तरी का।